से भारतीय संस्कृति युवा मंच जो है एक अच्छा सराहनीय कार्य लेकर स्वच्छता अभियान की ओर अग्रसर हुआ है। किस प्रकार से पूरी टीम जो है आज सुबह सुबह इस अच्छे कार्य में अपना समय दिया है, क्या एक उद्देश्य, क्या एक मैसेज आज देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए रहेगा? आज सबसे पहले तो आप सभी लोगों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा सिलवासा का धरोहर अगर बात किया जाए ना, तो ये वो सारी जगह है जो लगातार इन दिनों प्रशासन और केंद्र सरकार के द्वारा डेवलप किया जा रहा है हमारी जनता के लिए, यानी हम सब के लिए। तो इसमें हम सब का योगदान कितना महत्वपूर्ण होता है, वो ये होता है कि आप अगर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, ये चीजें हम भी सोचते थे कि एक च्युइंगम खाने से कितना डिस्टर्बेंस हो सकता है। च्युइंगम खा के हम लोग थूक देते हैं, उसका रैपर जो होता है वो इधर उधर फेंक देते हैं। आज हम लोगों ने जब ये सर स्टार्ट किया तो वाकई कहा जाए तो स्टाफ ऑलरेडी यहाँ का बहुत वर्क करता है। ये चीजें हम जब आए तो बोले यार क्या गंदा है, कुछ तो है ही नहीं, लेकिन लोगों ने हमें, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया था कि भाई आप लोग जाकर देखिए बहुत गंदा रहता है, थोड़ा सा साफ करवाइए, आप लोग पहुंचिए टीम के साथ। यहाँ के नो डाउट कि यहाँ के जो स्टाफ है बहुत मेहनत करते हैं, लगातार सारे वॉल्स और दीवार, ये सारी बड़ी लंबी स्पेस है तो काफी चीजें होती है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पहुंचे, अलग अलग जगहों पर जब गए तो देखिए आप भर भर के ये सारी चीजें जो है वो अंदर से निकली है। यानी कहीं ना कहीं जो लोग घूमने के बहाने ही आते हैं उनको नहीं पता होता है कि हम छोटी छोटी चीजें जो कर रहे हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन जब आप इस जगह पर जाएंगे, उस जगह पर जाकर सफाई के लिए खुद जब जुड़ेंगे तो ये सारी चीजें होगी। तो खास तौर पर जब मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी टीम के जो अंकित जी हैं और बिट्टू जी हैं और राहुल जी हैं, इन लोगों ने एक प्लान किया कि भाई हम लोगों को एक स्वच्छता अभियान रखनी चाहिए, क्योंकि जब लोग लगातार हम लोगों को बोल रहे हैं, जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनको यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए हेमंत जी आप लोगों को रखना चाहिए, और अच्छी चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर जगह रख सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई और भी कर सकता है। तो जब हम लोग ये सब चीजें सोचे तो हम लोग सोचे क्यों ना क्यों एक समाज को एक अच्छा संदेश भी जाएगा और साथ ही साथ हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो और ये चीज हम लोग सीख रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर आते हैं, लगता है मेरे ख्याल से नाइट वाइट में आते होंगे, ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, काफी सारे बॉटल्स मिले, ड्रिंक्स के बॉटल्स मिले, कोई अलग अलग अल्कोहल के बॉटल्स मिले, रैपर्स मिल रहे हैं, सब जो लोग खाते हैं, च्युइंगम्स हो गए, गुटखा, खास तौर पर सबसे ज्यादा अगर कुछ मिला है तो सिगरेट और गुटखे का जो आप रैपर बोल सकते हैं वो बहुत ज्यादा मिला। तो ये चीज कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव था कि भाई इस तरह की चीजें ना करें, क्योंकि हमारा धरोहर है, हमें ही बचाना होगा। और लगातार लगे पूरी टीम की आप बात करेंगे तो पूरी टीम इस पर वर्क कर रही थी और सभी लगे हुए, अभी तो फिलहाल ये मॉर्निंग का शेड्यूल था, हम लोग थोड़ा लेट जरूर हुए थे स्टार्टिंग में 15-20 मिनट, लेकिन आप उसके बाद जब शुरू किए हैं तो देखिए अभी आधा 10 बजने का टाइम हो चुका है, ये आधा ही ये चीज कंप्लीट हुआ है, यानी हम लोगों ने एक साइड का क्लियर कर दिया, दूसरी तरफ करेंगे मुझे लगता है 8-10 पैकेट ऐसे और निकलेंगे अभी, तो ये सारी चीज चल रही है। युवाओं के लिए क्या एक संदेश रहेगा कि लोग जो है सो इस मुहिम से जुड़े, हालांकि जितने भी आसपास के कचरा होता है जो लोग कचरा करके जाते हैं तो उसको कैसे साफ किया जाए, कैसे युवाओं में एक मैसेज जाएगा? युवाओं के लिए खास संदेश मैं इसलिए चीजों को देना चाहूंगा कि जो आने वाले दिनों में, जैसे 14 फरवरी आ रही है, हमारी संस्था की शुरुआत ही उसी टाइम से हुआ है कि जब हम लोग 14 फरवरी था हम लोग संदेश देना चाहते थे कि भारत के जो क्रांतिकारी थे, शहीद हो चुके हैं हमारे देश के लिए, भगत सिंह जी, तो शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव की जो आखिरी याचिका पर दस्तक हुई थी वो 14 फरवरी के दिन हुई थी, जिसको देखते हुए हम सबने ये डिसाइड किया था कि भाई हम लोग ये मैसेज देना चाहेंगे कि स्वच्छता रखें, क्रांतिकारियों ने हमें जो सोने की चिड़िया भारत दी है उसे बनाए रखने में हम सबका जितना भी हो सके योगदान देना चाहिए, तो बस इसी चीज को लेकर हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। देखिए भारतीय संस्कृति युवा मंच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान को बड़ी गंभीरता से लिया है। आज स्वच्छ सिलवासा के लिए यह पहला कदम उठाया गया है और इसके बाद हर गांव में यह अभियान चलाया जाएगा। और आज यहां काफी सफाई की गई है, डस्टबिन साफ किए गए हैं, लोग बागों ने जो कचरा इधर उधर फेंका था वो सब इकट्ठा किया गया है, और यही एक संदेश है कि कहीं पर भी कचरा न करें, अपने घर की तरह सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखें। धन्यवाद अंकित भाई, आपने, आपकी टीम जो है हमारे भारतीय संस्कृति युवा मंच पूरी इच्छा मतलब शक्ति जो है, दृढ़ संकल्प जो है वो लेकर आज मुहिम को शुरुआत किया है, स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, कैसा है विचार, कैसा आया, किस प्रकार से इस सफाई अभियान से जुड़ने का मौका आप लोग को मिल रहा है? पहली बात तो मैं जिला समाहर्ता को तहे दिल से बधाई देता हूं कि हमने एक आवेदन दिया था जिसपे उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और नगर पालिका ने भी उस पर स्वीकृति तुरंत प्रदान कर दी, जिसके कारण हम लोग 11 फरवरी 2024 को यहां पर 8:15 बजे से 10 बजे तक अभी एक हमने सफाई का कार्यक्रम किया है। हमारा ये उद्देश्य है कि हमारी जो प्रदेश की धरोहर है उसको हम सजो के रखें, उसको स्वच्छ और सुंदर बना के रखें, ताकि यहाँ पर लोग आए तो उनको ये प्रभाव फील हो कि यहाँ पर बहुत स्वच्छता और सुंदरता है, जिससे यहाँ पर लोगों को आने में आनंद प्राप्त हो और यहाँ पर प्रशासन को जो है धन्यवाद प्राप्त करें।
और हम हमारी पूरी टीम BSOIM की पूरे तहे दिल से कलेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं कि इस स्वीकृति प्रदान करने के लिए उन्होंने तुरंत व्यवस्था किया और जिसे हम लोगों ने तुरंत यहाँ पर कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से अभी प्रारंभ करके चालू करके रखे हुए हैं। और हमारा प्रयास है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए प्रदेश के देश के विदेश के जितने भी लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पर स्वच्छता बना के रखे, रैपिंग कुछ भी वेफर का सिगरेट का और दारू का ये सब अड्डा न बनाए यहाँ पे। यहाँ पर अगर कुछ खाते पीते भी हैं तो उसको डस्टबिन में रखें और अच्छे से उसको कचरा न करें जिससे यहाँ पर कचरा फैले ना और यहाँ पर गंदगी न फैले और जिससे लोगों को आने में यहाँ पर आसानी हो और बहुत सुंदर व्यवस्था रहे। धन्यवाद। सारे दादरा नगर हवेली के जितने भी लोग हैं उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी चीजें हैं इधर उधर न फेंके, उससे डस्टबिन है जहाँ पे डस्टबिन में डाले और साफ स्वच्छ बनाने में हम लोग का योगदान करें, भारत का योगदान करें। हमारे मोदी जी का जो मिशन है स्वच्छ भारत, उसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और रोज का एक घंटा दो घंटा जो भी आपको टाइम मिले स्वच्छता में दें। धन्यवाद। मैं आपके प्रदेश के सभी लोगों को आह्वान दूंगा कि आज माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज हमें बहुत बड़ा सौगात मिला है, तो प्रदेश के लोगों से यही विनती है कि यहाँ आए और सफाई साफ सुथरा लोग रहे, कचरा यहाँ वहां ना फैलाए। यहाँ पे बकायदे डस्टबिन वगैरह रखा हुआ है, उसमें जो भी कचरा है कूड़ादान है वहां पे फेंका करे और यहाँ पे सफाई बनाए रखे, यही लोगों से अपील रखता हूँ। जय हिंद।